बाजार है जो शहर है वो पूरी तरीके से सुनसान पड़े हुए हैं राजस्थान में 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है और उसके लॉकडाउन 2.0 पूरे देश में तीन मई तक बढ़ा दिया गया हाल ही में कुछ आंकड़े सामने आए और इन आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के ज़्यादातर जो इलाके हैं वो वायु प्रदूषण की काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो गया है यानी कि इलाके पूरी तरीके से साफ हो गए हैं जो प्रदूषण की संख्या बढ़ रही थी उसमें गिरावट देखी जा रही है राज्य में लॉकडाउन के दौरान लगाए गए जो कड़े प्रतिबंध और वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र थे वहाँ जो गैर आवश्यक गतिविधियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं और उसी के चलते राजस्थान के ज़्यादातर शहरों की वायु गुणवत्ता उनमें सुधार हुआ है अगर हम बात करें अजमेर की तो अजमेर के सिविल लाइन में वायु एवं प्रदूषण मापक जो स्टेशन है यहाँ से रिपोर्ट जारी हुई है यहाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण में भारी गिरावट दर्ज की गई है अजमेर का जो मौसम है अजमेर का जो वायु प्रदूषण है उसमें गिरावट आई है वायु के अंदर आ, सुधार हुआ है जो ए आई क्यू लेवल होता है उस लेवल की हम आपको जानकारी देते हैं और उससे आ, बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितना हमारे जो एनवायरनमेंट है हमारा जो पर्यावरण है वो कितना प्रदूषण से मुक्त हुआ है देखिए 15 से 21 मार्च में ए लेवल जो था वो निन्यानवे था और 22 से 7 अप्रैल की अगर हम बात करें ए लेवल की तो वो 75 हुआ यानी कि 24 अंकों की यहाँ पर गिरावट देखी गई है जो आंकड़ा है पहले निन्यानवे था ए लेवल और ए लेवल फिर पिचत्तर हुआ यानी कि जो इलाजमेर के अंदर वायु प्रदूषण का जो गिरावट का आंकड़ा है वो 24 है 24 अंकों की गिरावट देखी गई है प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अगर हम माने, तो औद्योगिक इकाइयों में गतिविधियाँ बंद होने वाहनों के आवागमन में कमी और सड़क पर धूल की कमी की वजह से प्रदूषण में काफ़ी सुधार देखा गया है कोरोना कहर की वजह से जारी लॉकडाउन से भले ही लोगों की जिंदगी घरों में हो लेकिन 21 दिनों के लिए जो जिंदगी कैद हुई है उसका असर यह हुआ है कि मौसम अब साफ सुथरा दिख रहा है मौसम अच्छा दिख रहा है और यही वजह है कि आसमान बिल्कुल साफ़ दिख रहा है और वायु प्रदूषण में कमी आई है